चवाल रोड के गांव मन्नन में बाबा बुड्ढा जी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से 6 टूर्नामेंट करवाए गए, जिसमें आसपास के गांव के कुल 20 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट के प्रधान सुरजीत सिंह ने कहा कि हर साल ये टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल क्रिकेट के मैच करवाए जाते हैं और फाइनल मैच जीतने वाली टीम को 11,000 रुपया नकद इनाम और सेमीफाइनल में आने वाली टीम को 51,000 रुपया नकद इनाम दिया गया है। इस टूर्नामेंट में MLA डॉक्टर अग्निहोत्री मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा प्रयत्न है कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए और ऐसे टूर्नामेंट हर गांव में होने चाहिए ताकि नौजवान नशे से दूर रहने का प्रयत्न कर सके। सरपंच ने सोहन जीमा जी और सारे प्रेस वाले और ये मैं पहली दफा देखा कि साडे इलाके दे जिहड़े लड़के ने जिन्हां नूं कोई एड्डी वधिया कोचिंग नहीं मिलदी हैगी उहदे बावजूद भी बहुत वधिया क्रिकेट खेडण दा उहनां नूं अज देखण दा मौका मिलिया। और BDO साहब नूं भी सारे बेनती कर रहे सी कि पिंडां दे विच जिन्हां तक स्टेडियम नहीं हुंदे कोई कोच नहीं मिलदे उहनां चिर तक साडे बच्चे जिहड़े ने उह खेड दे फील्ड विच अग्गे नहीं निकल सकदे और असीं कोशिश करांगे सारे रल मिल के हर पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਈਏ। 6ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਟੀਮਾਂ? ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਖਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ, ਝਬਾਲ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 11,000 ਰੁਪਇਆ, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 5,500 ਰੁਪਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਸਨੀ ਸੋਤਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ TV।